हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल झरना झुमा किचन। मैं अभी मछली की कड़ी बनाने जा रही हूँ, जो बंगाल में कहते हैं रूही की कलिया, वो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए हमें चाहिए पहले मछली, और इसमें काजू, किशमिश, पोस्तो और जो मगज होता है ना, खरबूजा का जो बीज है ना, उसका पेस्ट है। इसमें अदरक, लहसुन, प्याज और जीरा का पेस्ट है, नमक, थोड़ा सा चीनी। इसमें मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, तेजपत्ता, जीरा, सूखा मिर्ची, एक काचा मिर्ची भी चाहिए और टमाटर। चलो शुरू करते हैं। अभी मछली में थोड़ा सा नमक दे देंगे, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तेल, हो गया। अभी स्टार्ट करते, अभी कढ़ाई गर्म हो गया, तेल डाल देंगे। अभी तेल गर्म हो गया, हम मछली दे देंगे। अभी हम पालक के फ्राई कर लेंगे। अभी फ्राई हो गया, अभी मैं ले लूँगी। अभी इसमें तेजपत्ता दे देंगे, एक सूखा मिर्ची, थोड़ा सा चीनी, और जीरा। अभी इसमें देंगे प्याज की पेस्ट और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा धनिया देंगे, अदरक और जीरा पेस्ट। उसके बाद इसमें धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर अभी दे देंगे, थोड़ा पानी में मिला के रख। अभी टोमेटो दे देंगे, अभी थोड़ा ढक देंगे। अभी मसाला से तेल निकल के आ रहा है, टेस्ट हिसाब से नमक। अभी दे देंगे काजू, किशमिश, पोस्तो और मगज पेस्ट। अभी मसाला से तेल निकल गया, हमें पानी दे देंगे, थोड़ा सा ढक देंगे, बस पानी। अभी मछली दे देंगे, अभी 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अभी दे देंगे थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, अभी गरम मसाला दे देंगे, और एक ग्रीन चिली, एक चम्मच घी, अभी ढक देंगे।
तैयार हो गया मछली की करी। अभी हम साफ करेंगे। तैयार हो गया हमारा मछली की करी और रुई की कलिया। बाय।